दोस्तों, इंस्टाग्राम पे तो हम हर दिन रील्स बनाते ही रहते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कैसे आप अपने मोबाइल के गैलरी के फोटो से इंस्टाग्राम रील्स बना सकते हैं। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। हम इंस्टाग्राम को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए हमें प्लस आइकन मिलेंगे, इस पर टैप कर लेंगे और इस जगह पे हम रील्स चूज़ कर लेंगे। देखिए यहाँ पे रील्स पे आने के बाद हमारे सामने काफ़ी सारे एडिटिंग ऑप्शन आ चुके हैं, लेकिन हमें यहाँ पे हमारे गैलरी से फ़ोटो चूज़ करना है जिनके साथ हम रील्स बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप एक एक करके जिस फ़ोटो के पास जो फ़ोटो आप चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लीजिए बाय सीक्वेंस। अब हम यहाँ पे टैप कर देंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर टैप करने के बाद हमारे सामने काफ़ी सारे म्यूज़िक के ऑप्शंस आ जाएंगे, ये हमें इंस्टाग्राम खुद ही सजेस्ट करेंगे। आप चाहे तो यहाँ से कोई भी आपके पसंद के गाना चूज़ कर सकते हैं या फिर यहाँ पे सर्च बटन पे जाके भी सर्च करके गाना यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोई भी म्यूज़िक नहीं ऐड करेंगे तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक गाना चूज़ कर लिया है, अब हम नेक्स्ट पे कर देंगे। देखिए यहाँ पे वीडियो प्रोसेस हो रहा है। इस जगह पे आने के बाद हमें यहाँ पे एक मज़ेदार ऑप्शन मिलेंगे एडिट क्लिप्स के, इस पे हम टैप कर लेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे टैप किए, देख सकते हैं दो ऑप्शंस हमारे सामने आ चुके हैं। एक है ट्रांजिशंस का ऑप्शन, अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको आपके हर एक फ़ोटो पे ट्रांजिशन ऐड करने के लिए ऑप्शन मिल जाएंगे। इस जगह पे आप देखिए यहाँ पे प्लस आइकन पर टैप करें। टैप करने के बाद काफ़ी सारे ट्रांजिशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप यहाँ से आपके पसंद के अनुसार कोई भी चूज़ कर लीजिए। और आप चाहे तो इसी ट्रांजिशन को सारे पिक्चर के साथ ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट फ़ोटो के साथ डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशन भी ऐड कर पाएंगे। अब हम इसे यहाँ पे डन कर देंगे। डन करने के बाद अगर यहाँ पे आप चाहते हैं कि आपके ट्रांजिशन का सीक्वेंस ठीक नहीं है, इसे आप फिर से टैप करके रीऑर्डर पे टैप करके फिर से यहाँ पे रीऑर्डर भी कर सकते हैं और यहाँ से ट्रांजिशन हटा भी सकते हैं। तो हम यहाँ पे डन कर देते हैं। डन कर देने के बाद इसे हम यहाँ पे प्ले कर लेंगे। देखिए यहाँ पे प्ले हो रहा है। इस जगह पे हम यहाँ पे टैप करेंगे। यहाँ पे अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके कोई फ़ोटो के ड्यूरेशन 2 सेकेंड या 3 सेकेंड हो, वो भी आप बढ़ा या घटा सकते हैं इस तरह से। अब हम फिर से ऑल क्लिप्स पे चले जाएंगे। इसी तरह से आप सारे फ़ोटोज़ के ड्यूरेशन यहाँ पे कम कर पाएंगे। अब हम इसे यहाँ पे फिर से डन कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे इंस्टाग्राम रील्स अभी अभी जो हमने गैलरी के फ़ोटो से बनाए हैं वो रेडी हैं। आप चाहे तो यहाँ पे कुछ और भी एडिटिंग कर पाएंगे, जैसे कि आप चाहे तो यहाँ से ऐड टेक्स्ट कर सकते हैं, और आप चाहे तो यहाँ पे टेक्स्ट पर आप एनिमेशन भी ऐड कर पाएंगे, और नीचे यहाँ पे आप टेक्स्ट का स्टाइल भी चेंज कर पाएंगे। अब हम इसे डन कर देते हैं। आप चाहे तो टेक्स्ट का कलर भी यहाँ पे चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे आप इमोजीज, स्टिकर्स ऐड कर पाएंगे। उसके बाद आप देखिए पिक्चर पे आप डूडल भी कर पाएंगे ऐसे, और चाहे तो इसे आप यहाँ से इरेज भी कर पाएंगे। जितने सारे कुछ आप यहाँ पे एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं सारे ही आप यहाँ पे कर पाएंगे। अब हम इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए ये है फ़िल्टर का ऑप्शन। आप चाहे तो बहुत सारे फ़िल्टर में से कोई भी आपके पसंद के फ़िल्टर यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। तो चले अब हम इसे यहाँ पे डन कर देते हैं। डन करने के बाद अब हमारे इंस्टाग्राम रील्स वीडियोस रेडी है। अब हम नेक्स्ट पे टैप कर देंगे। इस जगह पे अब हम इसे सिंपली शेयर कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे इस ऑप्शन को टर्न ऑन भी रख सकते हैं। इसे टर्न ऑन रखने से ये आपके फीड पे भी पोस्ट हो जाएंगे। अब हम इसे सिंपली शेयर कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे ड्राफ्ट पे भी सेव कर सकते हैं ताकि बाद में आपका मन बदल जाए तो इसके फिर से एडिटिंग कर सके। अब हम इसे शेयर कर देते हैं। ये देखिए हमारे रील्स यहाँ पे शेयर हो रहा है। शेयर होने के बाद हम आपको इसे फिर से प्ले करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी हमारे यहाँ पे रील्स वीडियो शो हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे रील्स जो कि हमारे गैलरी की फ़ोटो से बना हुआ है वो यहाँ पे कितनी अच्छी तरह से प्ले हो रहा है। इसी तरीके को फॉलो करके आप भी आपके मोबाइल फ़ोन के गैलरी में से कोई भी फ़ोटो के साथ इंस्टाग्राम पे रील्स बना सकते हैं। आशा करते हैं हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, हमें कॉमेंट पर ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।